कहाँ जा रहे हैं? ये तो साउंड आएगा ना उसमें बात से तो मिलेगी ना। तो भाई फाइनली वी रिच मैप्रो, मैप्रो गार्डन, मैप्रो गार्डन और फैक्ट्री, फैक्ट्री मैप्रो फूड पार्क है। अरे भाई ये फूड पार्क है, ये पूरा कैंपस का नाम मैप्रो फैक्ट्री है क्या? फूड पार्क ही नहीं, इधर बैठ के फोटो खींच। वो वहाँ पे बोला नहीं था क्या कि मैप्रो फैक्ट्री जाना है या गार्डन जाना है? तो अपने बोले कि फैक्ट्री जाना है, तो फैक्ट्री ने यहाँ पे भेज दिया। इन लोगों का साड़ी तो हम लोग की साड़ी से भी अच्छा है। अच्छा साइड में फैक्ट्री वगैरह है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी का क्रश वगैरह प्रिपेयर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर होती है। अभी इन लोगों का लंच टाइम हो गया, तो अपने को भी कुछ खाना है। फैक्ट्री तो आज विजिट बंद है बिकॉज ऑफ ट्यूसडे वीक ऑफ। हाँ, ट्यूसडे को यहाँ पे वीक ऑफ होता है, उसकी वजह से फैक्ट्री बंद है भाई। और कुछ इतना घूमने के लिए मैडम ने सुबह से नहीं बोलूँगा, एक महीने से ऐसे बांस करके रखे थे कि घूमना है घूमना है घूमना। क्या है घूमने जैसा? अब आए हैं इतना बाहर बाहर से लोग आके यही देखने के लिए आता है मैप्रो। भाई यहाँ का सुना हूँ सैंडविच बहुत फेमस है, सैंडविच बहुत अच्छा है, तो खाने के लिए मेरा पेट खुश रहेगा ना, तो फिर मैं कुछ नहीं बोलती किसी को। फिर मेरे को तुम कहीं पर भी जाके रख दो, बस मेरा पेट को खुश रहे। साले ऐसे लोगों को, और इनको आईफोन चाहिए फ्लैक्स करने के लिए। फ्लैक्स जहाँ करना चाहिए वहाँ तो कर नहीं पाते हैं। फ्लैक्स भी होता है, कैफेटेरिया होगा उनका। भाई पहाड़ों के बीच में बनी हुई है, आज आसमान बहुत साफ है वैसे। तो भाई सच बता रहा हूँ ना, मैंने खाने का यार वीडियो ही नहीं बना पाता कभी, आज तक पूरी जिंदगी में मैं ऐसे खाने का वीडियो नहीं बना पाया। जब भी याद आता है कि अरे यार इसका भी वीडियो बनाना था, तब तक खाना ही ख़त्म हो जाता है, और ये अगर साथ में बैठी है ऐसे ही ख़त्म कर देती है। सर पेट भरा, पेट हैप्पी है? कितना पिज़्ज़ा होता चाहिए था, बताइए। इतना नहीं खाया जा रहा है, इनको और चाहिए था। वो सैंडविच तेरा है बचा हुआ, मैंने मेरा ख़त्म कर दिया। और फ्राइज, फ्राइज भी तेरे हिस्से का, मैंने मेरे हिस्से का खा लिया। तो मैंने तो कुछ खाया ही नहीं ना। खैर भाई मैप्रो का सैंडविच एवरेज है मेरे हिसाब से, मेरे को तो उतना अच्छा नहीं लगा। पता नहीं मेरे को ऐसे चीज़ अच्छा नहीं लगता है इसमें चीज़ का। नहीं उसमें ना प्याज वगैरह होना चाहिए, प्याज नहीं है, ये डाल के दिया है। क्या इसको क्या बोलते हैं, कैबेज, कैबेज, कैबेज डाल के दिया भाई। ये तो वडोदरा में तब देते थे जब प्याज महंगा होता था। स्पेशली इसके लिए आना बेवकूफ़ी है, बाकी इसके फ्राइज भी इतने मोटे मोटे। आप देखो मैं फ्राइज कभी छोड़ता नहीं, पागलों जैसा खाता हूँ, लेकिन ये इतना मोटा है कि मज़ा ही नहीं आ रहा है, क्रंची है ही नहीं। यार ठीक है जो भी है अभी। और यार मेरी ना आदत है बहुत बुरी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकालना है कि नहीं। और ये मेसो से ले लिया 150 रुपये का झुमका, अभी इनसे सेट ही नहीं हो रहा है, जब से आई है 20 बारी की है। नहीं झुमका नहीं है वो, मेरे कान में दर्द दे रहा है। है क्या वो? ईयर कवर नंबर 24 पता नहीं भाई, ये तो नहीं पता मुझे। किसी दिन बंदी बनेगी तो दिला दूंगा उसको, अच्छा रहेगा ना। ऐसे तो दिलाया मैंने ही है। सब तूने दिलाया, ऐसे मत बोलो भाई, घर वाले भी देखते हैं वीडियो, बोलेंगे साला पता, बोलेंगे साला इसी में पैसे उड़ाता है क्या। हो गया, कान के पीछे ऐसे टिश्यूज लगा रही, टिश्यूज फार की कि वो ऐसे फिक्स हो जाए। ये देखो हाथ में, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक लग रहा है।
ठीक लग रहा है पर फिर वो बाद में चुभने लगता है, तो उसके लिए वो टाइट करना है मुझे। और चश्मा लिया इन्होंने भाई 3000 का, पर आज तक पहनती नहीं है, हमेशा सर पे ही रहता है वो। सर पे ही पहनना था तो टोपी ले लेती। बहुत लोग हैं जो महंगी महंगी गाड़ियां रखते, जस्ट रख उसे क्या बोलते हैं गैराज में दिखाने के लिए कि हमारे पास गाड़ी है, चलाते बहुत कम है क्योंकि टाइम ही नहीं होता। पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को। टाइम ही नहीं होता मतलब चश्मा सर पे पहनने के लिए टाइम है और नीचे पहनने के लिए टाइम नहीं है। तो अभी यहाँ पे धूप नहीं है, चश्मा धूप में पहना जाता है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा ही है। मेरा तो भाई पावर वाला है, मैं तो हमेशा 24/7 पहनता हूँ, सोने से पहले सोने के बाद। मेरा पावर वाला नहीं है। अरे जो पावर वाला होता है उसी का पावर वाला होता है। तेरे में पावर है या तेरे में पावर है या इतना प्यारा है मेरे से कम क्या बोलते बड़ी प्रॉपर्टी लेने वाले आप लोग। और चेहरे के ऊपर लेडीज का अट्रैक्शन बहुत बड़ा है, पर खुद होकर आउट नहीं जाते आप। चेहरे से जितना शांत है उतना शांत ना आप देख रहे हो, मेहनत ही ज्यादा है। पिताजी के प्रॉपर्टी से आज तक मजा नहीं मारा है, खुद ने प्लानिंग सोचा है, पर जरा उधर पैसा किसी को देने का नहीं, जिन जिन लोगों से दिया समय के साथ वापस मिला नहीं, और किसी के कब्जे में रहेंगे ना। और ज्यादा करके ब्लैक कपड़ा पहनकर कौन सा बड़ा काम करने का नहीं, क्योंकि दोस्त लोगों को ऐसा लगता है आपके पास बहुत पैसा, करोड़पति, पर देखने के लिए गए ना तो फिलहाल नाम ऊंचा है, देखने के लिए गए ना तो फिलहाल नाम ऊंचा है। इससे लोगों को लगता है बस, पर लाइफ में पैसा सरोसों को भी माना नहीं, पैसा पैसा करना, पैसे के साथ भागना बिल्कुल पसंद है। आपका जरा एक हाथ वगैरह देखो, आप 200 का बात नहीं सर जी, खाने पीने में कितना जाता है बॉस? नहीं नहीं, बारे में जरा खास सवाल बोलने जैसा। मैं अगर ये सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता इसलिए मैं नहीं देखूंगा। नहीं गुड लक समझ कर, आपका एक छोटा भाई समझ कर। अरे छोटा भाई नहीं, फिर क्या था भाई, हम आ जाते हैं पंचगनी। पंचगनी में थोड़ा ग्रोसरी से कुछ सामान लेना था, और ये मैडम का तो हमेशा लगा रहता है, मेरे को सॉलिड मस्ती चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो चलो भाई ले ही लो सब। यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हमारा प्लान बनता उत्तपम खाने का, तो हम वहीं पुराने जगह पे आ जाते हैं। यहाँ का उत्तपम बहुत ही अच्छा है, पर खाओ पियो मौज करो यार। यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, खैर कोई नहीं, ऐसे खाते पीते मस्ती करते, और ये मौसम भाई फिर से मज़ेदार हो गई, और मज़े लेते लेते हम आगे वापस मिलते हैं कोई और वीडियो में भाई।